नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पतंजलि मॉइस्चराइजर क्रीम का रिव्यू, इसका प्राइस, कंसिस्टेंसी कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एंड इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइज, ये जो क्रीम है ये एक बहुत ही सिंपल सा पैकेजिंग में आता है। आप देख सकते हो ये एक सिंपल कार्डबोर्ड पैकेजिंग है जिसमें आपको सारे जो इन्फॉर्मेशन है इसके प्रोडक्ट के बारे में, इसका जो प्राइस है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रोज़ गोल्ड कलर में इसका टॉप वाला पार्ट है जहाँ पर लिखा हुआ है इसका ब्रांड नेम। एंड फिर आते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है मॉइस्चराइजर क्रीम विथ शिया बटर, कैमोमिल एंड ऑलिव ऑयल। ये एजिंग प्रिवेंट करता है एंड आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। अब इसके प्राइस की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो इसका प्राइस है ओनली 75 रुपीज़, विच इज़ वेरी मच अफोर्डेबल। और ये चलेगा 24 मंथ्स, मतलब 2 ईयर्स, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आप काफ़ी आपको टाइम मिलता है इसे ख़त्म करने में। यहाँ पे मैन्युफैक्चर डेट भी दिया गया है एंड आपको नेट वेट 50 ग्राम्स दे रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर दिस प्राइस, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। इसकी अगर अवेलेबिलिटी की बात की जाए, आपको ये पतंजलि जो स्टोर्स होता है, ब्रांड स्टोर्स, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्लस आपको ये कोई भी कॉस्मेटिक स्टोर्स में ये अवेलेबल है, प्लस ये जो भी ऑनलाइन कॉस्मेटिक स्टोर्स है वहाँ पे भी ये अवेलेबल है। सो गाइज, आप चेकआउट कर सकते हो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। सो गाइज, अगर आप इसका इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो इसमें है एलोवेरा, हनी, शिया बटर, सोयाबीन तेल, बादाम तेल, जैतून तेल, कोकोआ बटर है इसमें, कैमोमिल एक्सट्रैक्ट्स है, नीम के एक्सट्रैक्ट्स है, खीरे का जो बीज होता है, क्यूकम्बर सीड्स का जो बीज होता है उसके एक्सट्रैक्ट्स है, ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट्स है, पत्ता गोभी के एक्सट्रैक्ट्स है, खजूर के एक्सट्रैक्ट्स है। इसके जो बेस मटेरियल है वहाँ पे लिखा हुआ है क्रीम बेस, सो दिस इज़ अ क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट। इसमें है विटामिन ई, विटामिन B5, विटामिन ए एंड सी आई। आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए सिर्फ है एंड अप्लाई ऑल ओवर द फेस एंड द बॉडी। सो आप इसे पूरे फेस में एज वेल एज बॉडी बटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, आप इसे पूरे बॉडी में अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज, हमने इसके बाहर के पैकेजिंग के बारे में सारी बातें कर ली है, अब देखते हैं इसके इनर पैकेजिंग एंड वी विल सी द मेन प्रोडक्ट। सो आप देख सकते हो ये एक सिंपल, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट पैकेजिंग में आता है, सर्कुलर पैकेजिंग में। दिस इज़ अ सॉलिड पैकेजिंग और इसका जो कैप है ये बेबी पिंक कलर में है। सो इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो हम अब देखेंगे। इसका पैकेजिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा स्लीक पैकेजिंग है, लीक होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैवल फ्रेंडली है, बैग में आप बहुत ही इजीली कैरी कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको इस कैप के बाद आपको और एक कैप मिलेगा या फिर एक डिवाइडर मिलेगा ताकि कोई मेसी ना हो जाए क्रीम और बिल्कुल भी लीक ना हो। ये क्रीम का कलर आप देख सकते हो बेबी पिंक कलर में है ये। अगर इसके इनर पैकेजिंग की बात की जाए, आप देख सकते हो वही सारे इन्फॉर्मेशन जो बॉक्स पे था वही यहाँ पे भी दिया गया है। प्राइस
बेस मटेरियल में क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, आप कितने दिन तक इसे यूज़ कर सकते हो, वो सब कुछ, मैन्युफैक्चर डेट, सब कुछ फिर से इस पैकेजिंग में दिया गया है। सो अगर आपका बॉक्स कहीं पे खो जाता है, सो नथिंग टू वरी, आपको सारे इंफॉर्मेशन इस बॉक्स में मिल जाता है। सो अगर इस क्रीम की कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी की है, एंड ये क्रीम कम्प्लीटली क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है, जेल बेस्ड प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, एंड आप देख सकते हो। एंड ये पर्टिकुलरली विंटर सीजन के लिए या फिर ड्राई स्किन वालों के लिए परफेक्ट है, स्पेशली इन द विंटर सीजन। ये हर एक स्किन टाइप के लिए है, खास कोई ऐसा ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए है ये, बट अगर आप इसे किसी और सीजन में यूज़ कर रहे हो देन आई थिंक ऑयली स्किन वालों के लिए ये क्रीम नहीं है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए है। एंड बहुत ही ज़्यादा कम प्रोडक्ट लगता है, मैं आपके अप्लाई करके दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है गाइज, आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस नाइसली, ये बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में एंड एक हल्का सा ग्लो भी प्रोवाइड करता है। आप इंस्टेंटली फील करोगे कि आपका स्किन काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड हो चुका है। जिनका बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है उनको मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप ये ट्राई कर सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट आपको यूज़ करना है एवरी टाइम यू आर यूजिंग इट। आपके फेस में बिल्कुल भी ये ड्राइनेस आने ही नहीं देगा, क्योंकि इसमें है शिया बटर एंड कोकोआ बटर विच आर रियली गुड फॉर मॉइस्चराइजिंग द स्किन। इसमें जितना प्रोडक्ट दिया गया है आप देख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, ये आपको 2 साल आराम से चल जाएगा। गाइज मैंने ये जो क्रीम है ये मैं यूजुअली विंटर सीजन में ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा ऑयली स्किन है, बट येस अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप इसे समर सीजन में भी यूज़ कर सकते हो, स्पेशली बिफोर गोइंग टू बेड, क्योंकि ये आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज रखेगा। बट इन माई केस आई डोंट यूज़ इट इन द समर सीजन, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीजी हो जाता है। इवन नॉर्मल स्किन वालों को भी मैं मना करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्रीजी हो जाता है ये क्रीम, क्योंकि इसमें शिया बटर एंड ऑयली प्रोडक्ट्स हैं एंड ऑयली इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग तो है बट काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है एंड ये ग्रीजी बना देता है आपके स्किन को। गाइज आई होप आपको ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, एंड अगर आपको ये यूज़फुल लगे तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द लाइक बटन। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन सो एज टू गेट नोटिफाइड वेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। चलिए मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्द विथ अनदर एक्साइटिंग वीडियो विथ अनदर इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।